हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड क्रंच। सबसे पहले बात करते हैं हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन कैंपेन की, जिसे लॉन्च किया भामला फाउंडेशन ने और जिसे सपोर्ट करने पहुंचे कई सेलेब्स। सुनते हैं फेमस सिंगर शान का इस कैंपेन के बारे में क्या है कहना। नहीं बिल्कुल, जब आसिफ भाई से मैं पहली बार मिला उस दिन हम लोग एक अभियान करने के नाते हम लोग कार्टर रोड पर एक नया रिसाइकल बिन इनॉग्रेट करने मैं गया था उस दिन, और वहाँ हम लोग मैनग्रोव्स में जाकर कुछ साफ़ सफाई के चक्कर में वहाँ उतरे थे, तो वहाँ जाते ही मैंने देखा कि इतनी वो प्लास्टिक पैकेट्स हर मैनग्रोव के साथ लगा हुआ चिपका हुआ है और बोतलें सब पड़ी हैं, जो बार बार जितनी बार वो कह रहे थे जितना साफ़ करते हैं ये फिर वापस आ जाते हैं एंड दे आर क्रिएटिंग दिस क्लॉगिंग। तो मैंने अपनी आँखों से प्लास्टिक जो हम फेंक देते हैं, एक बार यूज़ करते हैं फिर फेंक देते हैं, चाहे वो बिस्लरी मतलब चाहे वो कोई मिनरल वाटर की बोतलें हो, स्ट्रॉज हो, रैपिंग्स हो, प्लास्टिक के जो पैकेट्स हैं वन टाइम यूज़ करके फेंकते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं नहीं जाती हैं, वो रह जाती हैं यार, बिकॉज दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो एक एंटरटेनिंग गाना भी हो जिसमें ज़्यादा प्रीची बातें ना हो, लेकिन साथ साथ लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि ये जो हम करते आए हैं इसे अभी हमें रोकना होगा। और दुश्मन प्लास्टिक नहीं है, दुश्मन वो इरिस्पॉन्सिबल हम हैं जो हम लोग चीज़ को यूज़ करते हैं फिर फेंक देते हैं। जैसे मैं तो कहता हूँ कि ये यूज़ करना फेंक देना ये कल्चर है बड़ा डेंजरस, जिसकी हम इज्जत ना करें वो क्यों खाए हम पे तरस ना। तो उस तरह से ही अभी ये प्लास्टिक जो है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, एक प्रदूषण तो है साथ साथ यू नो जहर बन के टॉक्सिक बन के ये हमें अलग अलग डिजीज़ अगर आप पढ़ें इसके बारे में बहुत सारे चीज़ें आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं जब ये गाना बनाने गया तो मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी भी लेनी ज़रूरी थी। साथ साथ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, प्लास्टिक एक सस्ता किफ़ायती सल्यूशन है काफ़ी चीज़ों के लिए, लेकिन ये जो हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं फेंक देते हैं ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। तो उस तरह की प्लास्टिक जिसे आप एक टाइम यूज़ करके फेंके, इस तरह की प्लास्टिक इस्तेमाल करना बंद करना होगा। यानी जो मिनरल वाटर हम प्लास्टिक की बोतलों से पीते हैं वो बदलना होगा, जो हम प्लास्टिक के पैकेट में चीज़ें लेकर फिर वो प्लास्टिक पैकेट फेंक देते हैं वो मनोवृत्ति बदलनी होगी, जो जैसे हम लोग फूल लेते हैं तो उसके ऊपर वो जो एक प्लास्टिक की एक रैपिंग होती है उसे आप अवॉइड करो। लोगों को आप फूल दे रहे हैं ना, तो आप उस पर सेलोफेन लगा कर क्यों दे रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर बदलें तो ये जो प्लास्टिक बढ़ता जा रहा है हर जगह ये घट सकता है। इवेंट पे पहुंची दिया मिर्जा से सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। UN एनवायरनमेंट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनाया है इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। हम सब जानते हैं कि पोल्यूशन प्लास्टिक से हुआ कितना प्रदूषण हम सब झेल रहे हैं, हमारे चाहे वो हवा की बात करें या मिट्टी की बात करें या समुंदर के पानी की या तालाब के या नदी के या हमारे जो शहर के ड्रेनेज होते हैं, गटर होते हैं या सड़क के किनारे होते हैं, हर जगह आजकल हमको सिर्फ प्लास्टिक 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 नज़र आता है। तो कोशिश ये है कि इस साल हम एक संगठन बना सकें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन बनाएं, जिससे एक तो लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि प्लास्टिक का प्रदूषण हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है और कितना वातावरण के लिए हानिकारक है, और दूसरा हिस्सा इस बात का ये है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, कैंटीन्स, ग्रोसरी स्टोर्स, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडर्स हैं, उन सब के जहन में ये बात उतरे कि प्लास्टिक का पोल्यूशन कितना बढ़ गया है और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले टू कॉम्बैट एंड टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। श्यामक डावर, कनिका कपूर, अरबाज खान, प्रसून जोशी, जितेंद्र, राजू श्रीवास्तव जैसे कई दिग्गज पहुंचे इवेंट को सपोर्ट करने। सुधीर मिश्रा की फिल्म दास देव का हुआ स्पेशल प्रीमियर, जहां रेड कार्पेट पे पहुंचे कई सेलेब्स। हमने की राहुल भट्ट से बात और जाना कि कितने एक्साइटेड हैं वो इस फिल्म को लेकर। जो है जब आदमी को बहुत भूख लग रही होती है तो कहते हैं ना चूहे दौड़ रहे हैं, तो चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, जिन लोगों ने देखी है, शेखर कपूर साहब ने देखी, उन्होंने काफ़ी तारीफ की, करण सुमन ने देखी, उन्होंने तारीफ, तो मुझे लगता है कि सब अच्छा होगा, अगर अच्छी पिक्चर है तो सब अच्छा ही होगा।
एक्ट्रेस रतन सिंह, प्रकाश झा, रोहित रॉय, विवेन शाह, फुकरे टीम, वरुण और नवजोत, हुमा कुरैशी एंड मेनी मोर सेलेब्स अटेंडेड द इवेंट। वहीं मल्लिका शेरावत ने सुनिए फिल्म के बारे में क्या कहा। द सब्जेक्ट हैज बीन माय फेवरेट, इट्स अ रोमांटिक सब्जेक्ट, इट्स अ नाइस सब्जेक्ट, वेरी इमोशनल, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। एंड सुधीर मिश्रा इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। और इंडिया में बढ़ते हुए रेप्स के बारे में भी उनके विचार जरा ये सुनिए। बॉलीवुड हम लॉ नहीं बनाते, वी कैन ओनली गिव एन ओपिनियन, एंड आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग विद वुमेन एंड चिल्ड्रन इन दिस कंट्रीज इज एब्सोल्युटली शेमफुल, वेरी शेमफुल। From the land of Gandhi, we've become a land of gang rapists. And I think it's the media in the country that is really a strong force today. So all hopes are really pinned on the media. If it's not for the media, nobody will know about these cases. Nobody will talk about it. But media ke pressure se hi ye naye laws aa rahe hain. So we are really thankful to the media for this. मुंबई में ग्रैंड ओपनिंग हुई द एलएसडी नाइट क्लब की, जहां पहुंचे कई सेलेब्स, कुणाल जयसिंह, भाग्यश्री, जयदीप राघव एंड मेनी मोर। Now let's go to New Zealand. Well, not literally, it's just that New Zealand tourism explore Maori culture in Mumbai with Diana Panty. पहले देखते हैं डायना का New Zealand look और अब बात करते हैं डायना से कि उन्हें कैसा लगा। मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थी बिफोर आई गॉट हियर, बिकॉज़ मैंने एक्चुअली सोल्जर्स रोड पोर्ट्रेट्स के बारे में बहुत सुना था, एंड आई had read also a lot about it, and I, when I saw the pictures that they did, it was very something very different and interesting and intriguing for me, because I like to learn about new cultures, you know, I like to travel, I like to meet new people from different places. Sometimes I feel, you know, we are so used to our world and what we have grown up, you know, with in our culture. Sometimes I think it's good to step out of your comfort zone and into somebody else's world and, you know, kind of learn what they are used to and what they are familiar with. So it was a very enriching journey today to do that, and you know, I learned how to do the Maori greeting. I forget what it's called, but what is it called? Hongi. Hongi. Yeah, where you touch the forehead and the nose, and then you give a kiss on the cheek, and I think that was very interesting, because otherwise usually like you meet people. Richa Chadha ने दिया स्पेशल इंटरव्यू फॉर हर अपकमिंग मूवी दासदेव। सबसे पहले सुनते हैं रिचा से कि दासदेव में काम करके उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छी फिल्म है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सुधीर मिश्रा के साथ एक ऐसे दौर में काम करने को मौका मिला जब बाकी की फिल्मों में इतनी डेप्थ नहीं है और स्क्रिप्ट्स में ना फिल्म मेकर्स इतना इन्वेस्ट करते हैं अपने कैरेक्टर में। हर कैरेक्टर की जगह, हर कैरेक्टर की इज्जत है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। और जिन फिल्मों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, गैंग बम्बास्टर हो या मसान हो, वैसे ही एक फिल्म और मेरी किस्मत में आ गई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। सुधीर मिश्रा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रिचा ने कुछ यूँ बताया। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग अपनी लिमिट को क्वेश्चन करके आगे सोचते हैं। ये जो नुआंस होता है, एक शब्द इंग्लिश का नुआंस, बहुत कम रह गया है फिल्मों में। कोई काले कपड़े पहनता है तो वो बुरा आदमी हो जाता है, कोई सफ़ेद पहनता है तो वो अच्छा आदमी हो जाता है, पर लाइफ जो होती है वो ग्रे होती है बिल्कुल। और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए नुआंस को डिस्कशन में रखना, उसकी डेप्थ को कहानियों में पिरोना, और वो सुधीर मिश्रा ही कर सकते हैं। दक्ष भास्कर के YouTube चैनल का हुआ लॉन्च, जहां पहुंचे रजा मुराद श्रेयस्थल पड़े। श्रेयस ने सुनिए दक्ष के इस काम को किस तरह से सराहा। इंस्पायरिंग कहानी है, इंस्पायरिंग बच्चा है, क्योंकि मेरी वाइफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो मैं अक्सर ऑटिस्टिक बच्चे हो या डाउन सिंड्रोम के बच्चे हो, इनको देखा है, इनको मिला है, इनसे इंटरेक्ट भी किया है, और इनफैक्ट कुछ लिमिटेशंस होते हैं, बट लिमिटेशंस के ऊपर मात कैसे करते हैं ये लोग और कैसे कुछ जो चाहिए वो अचीव कर लेते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल दक्ष यहाँ पे जो है परफॉर्म कर रहा है, डांस कर रहा है, और अक्सर वैसे माना जाता है कि ये एक चीज़ के बियॉन्ड कुछ कर नहीं पाते, लेकिन यू नो दीज डेज मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हो वो अपने आप को प्रूव करने की एक उनमें शक्ति है, एक लगन है, एंड दे आर गोइंग बियॉन्ड वॉट इज़ assumed of them or what is expected of them, and I think that is. और अब बात करेंगे most awaited शादी of the year, यानी वीरे दीप वेडिंग की, जिसका ट्रेलर हुआ लॉन्च और जहां पहुंचे हम, और कैप्चर किया हॉट अंदाज में करीना कपूर खान को, फेरी अंदाज में सोनम कपूर को, फॉर्मल बट हॉट अंदाज में स्वरा भास्कर को, एंड बबली अंदाज में शिखा तलसानिया को। सबसे पहले करीना ने बताया कि वीरे दीप वेडिंग के बाद
क्या है उनका प्लान. I'm still thinking about it. I want to just do this movie to release and I wanted to do this film. I haven't thought about what I'm going to do next. So let's see. I mean, Taimur is still 16 months. I've given a lot of time to Veeray also and I'm going to be busy promoting. So I need another 2-3 months after Veeray to decide as to what I want to do. But I promise to do at least one or two films a year. अपनी पोस्ट मैरिज फिल्म करियर का क्रेडिट सुनिए करीना ने किसे दिया. आई वेरी वेरी लकी टू हैव आई थिंक अ हस्बैंड हु इज सो अंडरस्टैंडिंग बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स माय प्रोड्यूसर रिया हु एक्चुअली स्टूड बाय मी बिकॉज दिस फिल्म आई साइन दिस फिल्म एक्चुअली बिफोर आई गॉट प्रेग्नेंट. आई हैड टू कॉल हर अप 2 मंथ्स लेटर दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड शी नीड्स टू टेक समवन एल्स बट आई थिंक द फैक्ट दैट दे डिसाइडेड दैट यू नो they want to go with me still we changed the character to be pregnant and then I was like you know I can't do this and it's really really difficult so we should go with someone else but I think it was Riya's conviction and she was like no I think let's just wait and I think all of them have been so supportive towards me for actually waiting and then after that I think it's Saif who kind of pushed me and said I think you should hit the gym and get back to the studio and take your son with you and you know set an example to a lot of mothers that you know it is possible that you can do it and I think it's been touch wood good till now so let's see I don't know what the next step is going to be but this journey has been beautiful. Sonam ne bataya ki Veeray the wedding mein kya raha masala. Honestly ye film hai it's about 4 girls at different stages of their marital status so ek ki shaadi ho rahi hai ek ki shaadi ho gayi hai ek ka divorce ho raha hai aur ek ki shaadi ho rahi nahi hai. So there are like 4 girls who are just at an uncertain age, like we said, or uncertain time, or it's a revelation. There are lots of बहुत ही entertaining film है, बहुत ही funny film है, पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं film में जो बहुत आसानी से आपको दिखाई देंगे, पर बहुत ही entertaining में दिखाई देंगे, पर dialogue और conversation बहुत you know अच्छे real हाँ. और सोनम ने बताया कि उनका favorite hero अब है कौन? Something I used to make a joke to Poonam. I used to say, "Is my favorite hero I've ever worked with is Kareena Kapoor." She, you know, I'm telling you, it's the easiest thing to work with other women. There, unfortunately, our conditioning is such that people expect women to pull other women down and you know compete with each other because obviously divide and rule, right? So what's amazing is to actually all work towards the same goal of making the best possible version of something. So if everybody bands together, literally girls, we can rule the world. अब बता दें कि किस सेलेब को हमने कहां किया स्पॉट. सबसे पहले ले चलते हैं जोया अख्तर की पार्टी में जहां हमने स्पॉट किया करण जौहर को. सोनम कपूर के घर के बाहर हमने स्पॉट किया फिर से करण जौहर को और संजय कपूर को. श्रद्धा कपूर एंड मलाइका अरोरा को हमने स्पॉट किया एयरपोर्ट पे जहाँ मलाइका रफ एंड टफ लुक में नजर आई वही श्रद्धा क्यूट लुक में आई नजर. और हॉटी वरुण धवन को हमने स्पॉट किया जिम के बाहर. अब करते हैं बाय बाय पर आप कहीं मत जाएगा बॉलीवुड इंडस्ट्री की और हॉट एंड हॉट खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड क्रंच.